हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जिस तरीके का इंडिकेशन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में मिल रहा है वो यही है कि काफ़ी ह्यूज नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको यहां पर क्लू देना चाहूंगा कि लोग 11 नंबर 13 नंबर ऐसे नंबर जो हैं वो क्वांट में अटेम्प्ट कर आ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा यही इंडिकेशन है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक बड़े स्केल पर होगा। और आप बिल्कुल चिंता मत करें, अगर आपने बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस बनाए हैं, चाहे वो 11 होंगे 13 होंगे, स्टिल आपके अच्छे मार्क्स वहां पर देखने को मिलेंगे और प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बस क्वांट के अलावा जो रीजनिंग है और इंग्लिश है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज स्कोर तो करना पड़ेगा। रीजनिंग में फिर भी ठीक ठाक है, लोगों का अटेम्प्ट लगभग 26, 28, 25 ऐसे आ रहे हैं। और वहीं पर अगर हम क्वांट की बात करें तो बिल्कुल लो हो रहे हैं यार, 18 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, 13, 11 ऐसे अटेम्प्ट जो हैं वो मैंने यहाँ पर देखे हैं। तो फिर भी एक हैवी नॉर्मलाइजेशन, ह्यूज नॉर्मलाइजेशन हम सभी को आगे देखने को मिलेगा। और एक्यूरेसी ही सबसे बड़ा यहाँ पर तीर होगा, अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान रखोगे तो पेपर आपका क्वालिफाई जरूर होगा। तो आगे एक जो पूरा एनालिसिस है वो इवनिंग में मैं डालूंगा, तो आप लोग उसमें जरूर हिस्सा लेना। और अभी चिंता मत करो, आगे अपना जो भी एग्जाम्स है उस पर अपना फोकस करो, और जब इसका रिजल्ट आएगा तब खुद एक शॉकिंग आप सभी को देखने को मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।